अस्सलाम वालेकुम बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने नहा धो लिया है और अब मैं वेट कर रही हूँ कि हसीब की मीटिंग ख़त्म हो जाए ताकि मैं उस कमरे में जाऊँ एंड आई एडिट माय व्लॉग एंड आई गेट स्टार्टेड ऑन माय वर्क। और बहुत ज़्यादा मेरा दिल है, बहुत मेरा दिल है कि जो मेरा बाहर जो मेस है मैं उसको क्लीन अप करूँ, बट आई कांट विदाउट हसीब। जब तक वो कैबिनेट नहीं बनती तब तक कुछ नहीं हो सकता एंड पुअर हसीब, ही इज रियली जस्ट दिस टू मच वर्क ऑन हिज प्लेट ऑलरेडी, सो मैं उनको बेचारों को कुछ नहीं कह सकती। एंड या तो मैंने सोचा मैं भी फिर हसीब के साथ बैठ के काम ही कर लूँ। आए तो वह जो अलमारी है ये ऐसे खुलती है और इसमें को ये वाली साइड बड़ी परफेक्टली खुल रही है, ये थोड़ी सी अड़ी है, आई डोंट नो व्हाई, अब सही खुल गई। एनीवे सो इसमें ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं, ये भी हैं, सो दिस साइड कैन बी माय साइड एंड दिस साइड कैन बी, देखा ये अभी भी अड़ी है, इसको थोड़ा ओ अच्छा पीछे तार फंस गई। लॉल तुम किधर जा रहे हो ब्रो। एनीवे सो इसकी तीन ऐसे हैं और यहाँ पैरेलल सेम चीज़ है, सो आई थिंक एम्पल स्पेस है, इतनी कोई चीज़ें ही नहीं है। हसीबा मेरी वेरी वेरी मिनिमल मेकअप एंड एक्सेसरीज, सो या फिर मैं उसको फिलअप करूँगी अभी। बाय द वे ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है बाथरूम के अंदर, इसमें इसमें हैं क्रीम्स और परफ्यूम और लोशन सन ब्लॉक एंड ऑल ऑफ दैट दैट यू नीड टू यूज़ आफ्टर योर शावर। ये मेरा है, ये हसीब का है हेयर स्प्रे और ये तो पोनीज और एयरबड्स एंड दिस हैज़ माई मेकअप एंड दिस हैज़ छोटी सी पोटरी है, दिस हैज़ माई कांटे शांटे एंड दिस हैज़ माई लिपस्टिक्स एंड ऐसे। तो अभी हमने काफ़ी क्रैम्प्ड तरीके से इसको रखा हुआ है, तो आई रियली वॉन्ट टू गेट ये जो सेक्शन वाले हैं ना, ये हमने लिए थे आइकिया से, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैंने डिवाइडर्स में किस टाइप के लूँ ताकि वो इजी टू यूज़ भी हो, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड और वो मतलब ऑर्गेनाइज रहे सब कुछ। मेकअप का अलग हुए मगर आई डोंट वांट इट टू बी लाइक टू बिग एंड टू फैंसी, ज़्यादा कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा अनॉइंग हो जाता है, बाद में मैसी हो जाता है। सो जैसे ये लिपस्टिक्स हैं, मुझे लिपस्टिक्स खड़ा रखने का इतना कोई शौक नहीं है, आई वांट देम टू बी इन अ बॉक्स बिकॉज आई लिटरली यूज टू लिपस्टिक्स ऑल द टाइम। सो ये मैं सोचती हूँ, तब तक आई थिंक आई जस्ट पुट दीज देयर, लाइक डायरेक्टली मैं रख दूँगी जब तक मैं कोई और आइडिया नहीं सोच पाती। Guys, this is too good. Lasagna भूल जाओ, ये बनाना शुरू कर दो, है ना? Yes. मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था क्योंकि पहली दफ़ा बनाया है, मगर बेसिकली ये इसके नीचे हमने मैंने ऑलरेडी मैरिनेटेड, मेरे पास चिकन लेफ्ट ओवर पड़ी हुई थी तो वो डाली मैंने, उसके अंदर वाइट सॉस बनाया, वो जो आप लजानिया के लिए भी वाइट सॉस बनाते हो, बस थोड़ा सा आपने उसको ज़्यादा स्पाइसी रखना और उसके ऊपर पफ पेस्ट्री डाल दो, चिकन पाई बन जाएगा और बहुत सारी चीज डाल दो। गाइस फाइनली डब्बा खुल चुका है और इसमें से इतना सब कुछ निकला है और ये देख लो जरा, तो वाह कितना उन्होंने ऑर्गेनाइज करके सब कुछ भेजा है। और इसके साथ दिखाएं जी, इसके पहला पेज देखना था मैंने, खोलना था। ये देखो ये हमने कंस्ट्रक्ट करना, लेट्स डू इट। ओए अल्लाह घर में मगर चीजें नहीं है अभी, क्या करूं, फिर तो ऐसे सनी लग रहा है, लैंप देखिए इधर आएगा और इसके साथ आएगा लैंप। यस ये भी अच्छा है, भी खाली है काफी, बट कैबिनेट इज गुड। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आज का टास्क है लॉन्ड्री। एक्चुअली
आज पूरा दिन बहुत सारे टास्क्स करने हमने, तो let me take you along. ये हमारी बिल्डिंग की एंट्रेंस और इधर ऑन द फर्स्ट फ्लोर वी हैव द लॉन्ड्री रूम. ये लाइट चलानी है. ये लोगों ने एक स्पेस बनाई हुई है, इनके साथ लोगों ने अपने अपार्टमेंट में नहीं रखनी लॉन्ड्री वाली इतनी बल्की मशीन, तो आप इधर रख लो. और दरवाज़ा इसका चाबी से खुलता है, सो इट्स सुपर सेफ. एंड ये है हमारी मशीन. सो मशीन चालू हो गई है गाइस, और हमारे पास हैं 40 मिनट, सो लेट्स गो बैक. सोचिए थोड़ी सी हल्की कर लूँ और सीढ़ियों से चली जाऊँ, कुछ तो एक्सरसाइज हो जाए मेरी. गाइस मैं ग्रोसरी स्टोर आई हूँ, यहाँ जापानी फ्रूट भी आया है, मगर इतना सख्त है मैं आपको कैसे बताऊँ. तो वह देख रहे ग्रीन है, वही अभी पक्का नहीं था, पहले उतार ली. चलो गाइस, बहुत सवेर चेंज ऑफ प्लान हो गया, अपनी हांडी छोड़ के आई हूँ मैं प्राइमार्क दोस्त से मिलने. गाइस हम मॉल में आए हैं और ये बताओ नफीसा ये क्या है? Amazon के जो unclaimed है ना packages, उसकी सेल लगी हुई है. तो कहाँ लिखी हुई है prices? यहाँ लिखी हुई है कि बच्चा अगर हट गया तो 2.79 euro per 100 gram. मतलब आप तुक्के से निकालो और जो अंदर निकला गुड फॉर यू. अस्सलामुअलैकुम, ये हसीब है अपने एक्शन के शॉपर के साथ. गाइस मैं आज आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है. गाइस वैसे ना आपस की बात, ड्रेस बहुत प्यारा है, ये देख लो जरा. ये थिएटर है जी, थिएटर, और इसमें से म्यूजिक की आवाज़ भी आ रही है. म्यूजिक की आवाज़ एक्चुअली आई थिंक उस वायलिन वाले से आ रही है. हसीब वो देखो क्या बजा रहे हैं. ये तो बाहर है. क्या मैं वीडियो बनाऊँ, मैं क्या आप लोगों को बताऊँ कि आज क्या हुआ. सुबह हम उठे हैं जी, ठीक है, फिर आज हमें जाना था एक्शन, मैंने लेने थे फ्रेम हॉलवे के लिए, ठीक है. तो हसीब को थोड़े काम थे तो हमने कहा हम 1-2 बजे निकलते हैं. फिर हमें 1-2 बजे किसी दोस्त का मैसेज आ गया, 2 बजे एक्चुअली हम निकलने लगे थे कि मिलते हैं. तो हमने कहा कि चलो हम एक्शन से जल्दी से भाग के होके आते हैं एंड देन हम आपसे मिल लेंगे. नॉर्मल जा रहा है प्लान, सब कुछ ठीक जा रहा है. हम ट्रेन पे चढ़ के बैठ गए हैं, हम जा रहे हैं. आधा घंटा हो गया, हम सोच रहे हैं कि हम ये जगह बड़ी अनयूजुअल सी लग रही है, हम कहाँ जा रहे हैं. पता चला हमने गलत ट्रेन ले ली और हम आधा घंटा गलत डायरेक्शन में चले गए बातें करते करते. अच्छा अब हमने उस दोस्त को कहा हुआ था कि हम आपको 3:34 मिल लेंगे और अब 3:30 हो चुके थे. तो फिर हमने कहा अब हम आधा घंटा दोबारा एक्शन जाएं बेहतर है. हमने गोश्त लेना, हम गोश्त लेने चले जाते हैं. फिर आप सोचो कि चलो अब ईजी नो प्रॉब्लम प्लान्स चेंज. हम जी गए हैं गोश्त लेने की तरफ. हम ट्रेन में बैठे हैं, आगे उसने कहा 5 मिनट की वॉक है, हम वॉक करने लगे हैं. जाते गए आगे जाके पूरा रास्ता में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वॉक ही करके जा ही नहीं सकते. फिर हम खड़े हैं और अगर आप दूसरा रास्ता लोगे तो वो लंबा हो जाएगा 15 मिनट का. और फिर गोश्त हम हाथ में ले के किधर वापस घर जाना पड़ेगा. फिर हम वहाँ खड़े जी. कुछ कहो आप कि क्या हुआ है, कभी कभार रास्ते कैसे. गाइस हमने दोस्तों से मुलाकात कर ली है और अब हम जा रहे हैं गोश्त लेने. और ये देखें कितने क्यूट तरीके से ये लोग आराम से बैठे हैं. जिंदगी आप भी जी सकते हो सीट. नहीं हाय हाय, कितना मॉडल टाउन वाला गंदा ब्राउन पानी आ रहा है. दिखाओ आपने क्या लिए यार. हम आज हमें इंट्रोड्यूस कराया गया एक और देसी स्टोर से. क्या साइगन ऐसे था
तो इतना रश था मच्छी बाजार बना हुआ था, तो वहाँ मैंने क्या ही ब्लॉग करना था, मगर हम भिंडी ले आए हैं। तो वो शहरों का था ना, एशियन मार्केट थी बेसिकली, एशियन रीजन के सारे लोग आए हुए थे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज, बड़ी मिक्स ब्रीड आई हुई थी, तो सारे ही आए हुए थे। तो देखिए बिल्डिंग इतनी प्यारी है, और हमने इधर जाना है, ये सामने है ग्रोसरी स्टोर। ये वाले अपार्टमेंट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, बड़े मॉडर्न से, बालकनी भी है और अच्छी गुड वाइब्स आ रही हैं। फुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, ये डेली मज़े का यार। हमने जितनी भी देसी दुकानें देखी हैं ना, सबसे अच्छी यही वाली है ना सेब। पता नहीं ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, पता नहीं ये क्या है, आधी चीज़ें तो हमें समझ ही नहीं आती कि हैं क्या, मगर बहुत साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी वाली तो बहुत ही बुरी हालत होती है। मिर्चें हम ले आए थे दूसरे स्टोर से, बैंगन का स्टाइल चेक करें जी, गोश्त लें। हाय, हम घर आ गए और आज मैंने क्या बनाना है, भिंडी। और मेरे ओजी फॉलोअर्स को पता होगा कि आज मैं भिंडी काटूंगी गाइस, आई विल कट। ये भिंडा है, ये भिंडा है, वो एक्चुअली इतनी सी थी, इतनी तो ये तो ये होती तो तुम्हें पता होता कि ये काट रही है, तो बहुत ऑब्वियस है। वो यहाँ इसकी उसकी डंडी भी नहीं थी, ठीक है, उसका ये नहीं था, और फ्रोजन थी, मेरी गलती है, सॉरी करेक्शन। मैं नहीं भिंडी बना रही, हसीब भिंडी बना रहे हैं। हसीब जी कह रहे हैं आप गलत क्यों इतला दे रही हैं, हसीब बना रहे हैं भिंडी, तो काटो भी आप, चलो बनाओ, आपको भी काटने वाला काम हम क्यों करें, मजे वाला बनाने वाला ये खाएं, काटने वाला हम कर लो। दो लोग आज किचन में कुकिंग कर रहे हैं, दो शेफ्स, नो सूस शेफ टुडे। क्या बनेगा? लड़ाई, शर्मदार कर रहा हूँ, गेस करिए। दो कुकर हैं, एक ही टॉप पे बनाएगा और एक इलेक्ट्रिक कुकर। भिंडी तो आपने फ्राई करनी है इलेक्ट्रिक पे, हाँ ये बात भी है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं जी 12 और हम सुबह 10 बजे उठ के हमने नाश्ते की तैयारी की है, क्योंकि हमारे घर आज मेहमान आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना जब कोई आपके घर आए मेहमान, इट्स नाइस। तो हसीब बेचारे 10 उन्होंने पराठे बेले अभी तक, होपफुली दे शुड बी इनफ, एंड बेली जा रहे हैं। और हमने कल रात रेप्स कर ली थी, लेट मी शो यू, वाओ अच्छे वाले पराठे बन रहे हैं, डू नॉट टेक ईजी। और हसीब जी जो हैं वो बना के इसमें रखते हैं ताकि ऑन स्पॉट बस फ्राई करने हो, बेलने का झंझट ना हो। कल रात हमने छोले बना लिए थे, आलू और चिकन, एंड भिंडी जो है वो भी कल रात हसीब ने बनाई थी, भिंडी गोश्त। सो वी आर ऑल सेट, और हमने अपनी डाइनिंग टेबल भी सेट कर दी है, ग्लासेस आए पड़े हैं, प्लेट्स आई पड़ी हैं, बस इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे अपनी सारी चीज़ें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फील्स गुड। एंड इधर मैं रखूँगी बेंच जो बाहर पड़ा है ना, बेंच। ओ बाय द वे, आई थिंक मैंने अपनों को ये भी नहीं दिखाया, वो मुझे लाइट चला देनी चाहिए, दरवाज़ा बंद कर देते हैं हम, और हम चला देते हैं जी लाइट। ओह क्या हो गया, सो यहाँ एक बेंच हमने रखा हुआ, तो ये वाला हम अंदर ले जाएंगे, डाइनिंग टेबल के लिए दो एक्स्ट्रा कुर्सियाँ हो जाएंगी, ये शॉपर जाएंगे फंस जाते हैं। तो हाय मोनालिसा, माशाल्लाह गाइस हमारे पराठे बन गए, ये पहला पराठा जिसने ऊपर जाना, और सारी सफाई हो गई है, और चिकन, आलू और चने ये थोड़े थोड़े हमने गरम कर लिए, एंड में इनके ऊपर डलेगा ये जो हमने कटा हुआ रखा हुआ है। आज हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा सुगड़ अपनी माएँ बन चुकी हैं। ये हैं, क्या है आपकी अम्मी का नाम, ये है मुनीरा खानम और मैं हूँ अरफाना शहीन। मेहमान आ गए ने,
किया था टैको का, ये बेसिकली ये ऐसे है, ये डिपिंग इफेक्ट है तो इसके सारे कलर वाईफाई पे तो इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हमने पराठे खाए, रस्से पिए, चने खाए और अब दिल कर रहा है कि बस अब ना नैप टाइम कर लूं। आई थिंक आज का व्लॉग होपफुली इधर ही खत्म होएगा और सब्सक्राइब कर लो, खुदा का वास्ते सब्सक्राइब कर लो, 1000 तो जो मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। ओके बाय।